हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा टाइम घर पर, तो उन्हें ज़्यादा करके कुछ मंचिंग करने को चाहिए। और ऐसे में आप देखेंगे कि बच्चे बाज़ार से बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स ला ला कर खा रहे हैं। ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स ला ला कर खा रहे हैं। तो अब ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल वही लेज और अंकल चिप्स वाला टेस्ट घर पर बनाकर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान और उतना ही टेस्टी है। तो हम बनाते हैं अभी चिप्स। यहाँ पर आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आलू का सिलेक्शन। अभी जो नए आलू आ रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। बेसिकली इसमें थोड़े पहाड़ी आलू बोलो या फिर पुराने आलू भी बोल सकते हैं हम इन्हें, हैवी। और ये सूखे आलू आपने देखा होगा, जब हम आलू को उबालते हैं उनमें बहुत स्टार्च होती है, वो बड़ा फुसफुस हो जाता है। हमें वैसे आलू नहीं चाहिए, भारी आलू चाहिए, जो हैवी आलू होती है ना, पुराने आलू भी जिनको कहते हैं, सूखे आलू, जिससे हमारी सब्जियां भी क्रिस्पी बनती हैं। हमें ऐसे आलू चाहिए, यानी स्टार्च कम से कम होना चाहिए आलू में, इससे आपकी क्रिस्पी बनेगी। तो अब मैं इन आलूओं को सबसे पहले छील लेती हूँ। मैंने ये 5 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के। आलू का साइज़ आप बड़ा छोटा जैसा भी ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि थोड़े मोटे मोटे आलू लें, ताकि चिप्स का जो साइज है वो अच्छा निकले। अच्छे से इनको छील लेना है। आपने इसको छीलने से पहले भी अच्छे से धो लेना है, ताकि आलुओं पे मिट्टी लगी हुई हाथ में ना आए। ये बड़े साइज के आलू है, इनका वेट ज़्यादा है। 5 आलू में 400 से 500 ग्राम इसका वेट हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने सारे आलू को छील लिया है। अब मैं इन सब आलू को स्लाइस बना लेती हूँ, इनके चिप्स बना लेती हूँ। मार्केट में तरह तरह के स्लाइसर मिलते हैं, घर पर भी होते हैं हमारे, क्योंकि ये चीज़ें तो पुराने टाइम से हमारे घर पे यूज हो रही है। तो इसमें देखिए, एक में ऐसे डिज़ाइन है और एक साइड में प्लेन है। तो मैं आज थोड़े डिज़ाइनर वाले बनाऊँगी, इससे लुक भी अच्छा आता है और बिल्कुल देखने में लेज वाले चिप्स लगते हैं। तो अब मैं इस साइड से, मैं इसे ऐसे पकड़ लेती हूँ और इनको मैं ऐसे निकालूँ। ये देखिए जी, कई बार क्या होता है, हाथ से ना स्लिप होने लग जाता है छोटा पीस होने की वजह से। तो हम ऐसे में इनको निकाल देंगे और ये एक जैसे पीसेस ले लेंगे। सारे स्लाइस बहुत अच्छे से हो गए हैं। मैं इन छोटे पीसेस को नहीं यूज़ ले रही हूँ, इनको मैं सब्जियों में यूज़ ले लूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम ऐसे इसको स्लाइस करते हैं ना, हमारे हाथों में लग जाता है। तो ऐसा हम क्यों करें, तो हम ऐसे इनको हटाकर सब्जियों में यूज़ ले लेंगे। मैंने 2 बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और अब मुझे इन सबको, पटेटो को अच्छे से वॉश कर लेना है। आपने देखा होगा, पहले जब मम्मियाँ दादी सब बनाते थे चिप्स, तो वो बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी डालकर इनको वॉश करते थे और उसके बाद उसे वो धूप में सुखा कर रख देते थे, और जब चाहिए होता था तब हमें तल कर देते थे। बट आजकल थोड़ा एडवांस टाइम हो गया है, बच्चों को इंस्टेंट चाहिए और हमारे पास भी थोड़ी स्पेस कम की वजह से, या फिर इतना टाइम नहीं होता कि हम बना बना कर रखें, तो हम इंस्टेंट बना सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार वॉश करूँगी। ये देखिए जी, मैं इन सबको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। मैंने इस पे रख दिया ऐसे जाली पे, ताकि पानी निकले। और हमें इसके बाद थोड़ा और भी इसे ड्राई करना है, मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाऊँगी। पहले मैं पटेटोज़ को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ करेंगे तो उनका स्टार्च निकल नहीं पाएगा। तो ये देखिए, मैं एक एक पटेटो के चिप्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और मैं इससे, क्योंकि अगर इनमें स्टार्च रह जाएगा तो फिर आपके चिप्स करारे नहीं हो पाएंगे। तो एक तो हमें आलू अच्छे लेने हैं, उसके बाद पतले पतले स्लाइस करने हैं, और फिर हमें इसका स्टार्च पूरा निकाल देना है, और फिर आप देखेंगे मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे चिप्स आपके बनेंगे विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव।
क्योंकि जितना भी पैक फूड है ना वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ता है ताकि वो लंबे टाइम तक हम यूज कर सकें। तो जब हमारे पास आसान तरीका है यानी कम प्राइस में हम अच्छी से अच्छी चीज़ और हेल्दी ले सकते हैं, तो हम क्यों ले मार्केट के चिप्स। मैं मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि तेल आराम आराम से गरम होता रहे। मैं इन पटेटो के स्लाइस को थोड़ा ऐसे झाड़ लेती हूँ ताकि जो पानी है वो निकल जाए। ये देखिए जी, मैंने एक कॉटन कपड़ा लिया और इसके ऊपर मैं भी इस सारे पटेटो के स्लाइस को फैला देती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए, अगर धूप हो तो आप इसे 5 मिनट धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक और कपड़ा ले लेंगे और इसे थोड़ा ऐसे प्रेस कर देंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों साइड से आपका पानी कपड़े में आ जाएगा और आपके चिप्स फटाफट सूख जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। क्योंकि अगर पानी होगा तो भी आपकी चिप्स करारी नहीं हो पाएगी, तो इनमें से पानी हमें निकाल देना है, यानी हमें थोड़ा सा जो पटेटो के स्लाइस है वो ड्राई कर देने हैं। कॉटन कपड़ा या टॉवल कुछ भी ले सकते हैं हम, थोड़ा दबा दबा कर हमने पानी को निकाल देना है। ये देखिए जी, मैं एक बार और कर देती हूँ एक साइड से। सारे ये बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं, पटेटो के जो स्लाइस थे ना बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं, यानी इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो बस आपको स्पेशली यही ध्यान रखना है, अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसे अच्छे से ड्राई करना है। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, हमें जो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म चाहिए हाई फ्लेम पे, क्योंकि अगर ठंडा होगा ऑयल तो वो ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा और ये चीज़ें करारी नहीं हो पाएगी। तो हमें ऑयल अच्छे से गर्म चाहिए, तो बेशक आप बड़ा बर्नर ले लीजिए और उस पर ऑयल को गर्म कर लीजिए। मैं आपको एक चिप्स डालकर दिखाती हूँ, आप देख रहे हैं ना ऑयल थोड़ा ठंडा है, जिसकी वजह से ये चिप्स एकदम से क्रिस्पी नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि हमें ऑयल अच्छे से गर्म करना है और फिर इसमें चिप्स डालने हैं। देखिए, अगर आप ठंडे ऑयल में डाल दोगे ना, इसका कलर भी आ गया लेकिन ये बिल्कुल भी करारा नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें बहुत अच्छे से बिल्कुल हॉट बॉइलिंग ऑयल पे डालना है ताकि वो चिप्स करारा बने। ऑयल करारा गर्म हो गया, अब मैं एक एक करके चिप्स डाल रही हूँ। बहुत ही मस्त क्रिस्पी बनेंगे आपके। एक टर्न कर देना है, हल्का गोल्डन होने तक हमें इसे भूनना है, एकदम से करारे बनेंगे, मज़ा आ रहा है ना देख के। इसे मैं निकाल लेती हूँ, आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल अच्छे से ऑयल मैंने इसमें निकाल दिया। और अब मैं इसे फिर से जाली पे रख देती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाए। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना, ऑयल को हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। और मैं आपको इसमें अभी दो तरह के मसाले दिखाऊंगी, आप इनको मसालों के साथ में खाइएगा, बहुत स्वाद लगते हैं। तो जी, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं जब तक चिप्स उतारती हूँ तब तक प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर हमारा ये चिप्स बनाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और स्पेशली जहाँ भी छोटे बच्चे हो वहाँ तो आप वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि अब बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए और उनको टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करने देंगे हम, यानी अब उनको जब चिप्स चाहिए हम घर पर बनाकर खिलाएंगे। ये देखिए, आराम से करारा होने तक इसे हमें भूनना है, ये यानी कलर अच्छा आ जाए हाई फ्लेम। हमारे कैमरामैन का मन कर रहा है कि वो अभी खा ले, बट मैं अभी उन्हें परमिशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और फिर उनको खाने के लिए दूंगी। अभी मैं ऑयल थोड़ा और गर्म कर लेती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, चिप्स तलते तलते ना ऑयल ठंडा हो जाता है, तो आपने इसको 1 मिनट के लिए फिर से गर्म कर लेना है। ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा उतने अच्छे चिप्स बनेंगे। तो ऑयल लगे थोड़ा भी ठंडा हो गया है तो एक बार चिप्स निकालने के बाद उसे फिर से गर्म कर ले। आप देख रहे हैं ना, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ये देखिए जी बिल्कुल ड्राई। मैं आपको ये वाले एक बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ।
आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें एक साथ बहुत सारी ऊपर लेयर नहीं डालनी, नहीं तो इससे क्या होगा, आपके ये चिप्स ठंडे नहीं हो पाएंगे और उनमें मॉइस्चर आ जाएगा। मैंने एक कटोरी ली, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सॉल्ट, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और मैं इन तीनों को अभी मिक्स कर देती हूँ। ये हम बना रहे हैं बिल्कुल प्लेन चिप्स जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इस मसाले को इस चिप्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देती हूँ, बिल्कुल ड्राई। ये देखिए जी कितनी मस्त आवाज़ है ना, बिल्कुल भी ऑयल नहीं। तो अब आप इसे देखते ही साथ, मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये चिप्स। तब तक मैं अपने बाकी चिप्स भी बना लेती हूँ। मैं भी आपको एक और मसाला बनाकर दिखाऊंगी। इनमें आपका जो दिल करे आप मसाला डाल सकते हो, आप चीज़ पाउडर के साथ थोड़ा ओरिगेनो सीजनिंग चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर भी बना सकते हैं, आप चाट मसाला मस्टर्ड पाउडर यानी आपकी जो भी पसंद के हो, मैक्सिकन फ्लेवर इटालियन फ्लेवर इंडियन फ्लेवर कॉन्टिनेंटल जैसा भी आपको बनाना हो आप फ्लेवर चिप्स के ऊपर डाल सकते हैं। ये देखिए जी चिप्स हो रहे हैं, तब तक मैं आपको एक और मसाला दिखाती हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार सॉल्ट, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, मैं यहाँ देगी मिर्च यूज कर रही हूँ ताकि कलर सुंदर आ जाए और तीखा नहीं लगे, एक चौथाई चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच यहाँ पर आप पीसी हुई चीनी और खांड जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, थोड़ी सी मैं रेड चिली और डाल रही हूँ कलरफुल अच्छा आने के लिए। ये देखिए जी हमने इन सब को ऐसे मिक्स कर देना है। और क्या होता है कि जब चिप्स का सारा ऑयल निकल जाता है तो मसाले ड्राई होने की वजह से उस पर स्टिक नहीं हो पाते, तो अगर आपको थोड़े मसाले अच्छे से चाहिए ना तो आपने चिप्स निकाला और साथ के साथ मसालों को स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि उसमें थोड़ा ऑयल होगा और वो स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए जी मैं इन सबको चिप्स को निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इस मसाले में अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए जी मैंने चिप्स निकाली और अब मैं साथ के साथ ये मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये देखिए जी तो अभी ऑयल की वजह से ये बहुत ही अच्छे से इस पर स्टिक हो जाएगा। ये देखिए जी आवाज़ सुन रहे हैं ना आप कितनी कुरकुरी। ये देखिए जी वाओ मस्त मज़ा आ गया। तो आपने देखा ना घर पर मार्केट से भी अच्छे चिप्स इतने फटाफट तैयार हो गए हैं। हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें आलू अच्छे लेने हैं यानी पुराने आलू या पहाड़ी आलू, अच्छे से स्लाइस जब आपने कट किया उसमें स्टार्च नहीं छोड़ना यानी अच्छे से वॉश करना है, और उसके बाद उसे अच्छे से सुखाना है यानी कपड़ों में या 5 मिनट धूप में जैसे भी आप सुखाना चाहें, और फिर बिल्कुल गरम गरम ऑयल में हमें चिप्स को फ्राई करना है ताकि वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। आपने देखा मैंने एक जार में भी रखा है और एक ऐसे कंटेनर में भी रखा है। आप इन चिप्स को भी बहुत ही आराम से जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए एयर टाइट कंटेनर में डालकर 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बात और है कि बच्चे बनते ही साथ ख़त्म कर देंगे क्योंकि बच्चों से इतना इंतज़ार थोड़ी होता है कि वो महीने भर छोड़ेंगे, बट वैसे आप उनसे छिपा कर 1 महीने तक रख सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे बच्चे वाले लोगों को इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।